हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ रिलेवेंट टू द बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक लेक्चर 5। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कोएगुलेशन एनालाइज़र के बारे में। आपने जानते होंगे कोएगुलेशन एनालाइज़र क्या होता है, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इसे समझिएगा कि कोएगुलेशन एनालाइज़र होता क्या है। तो चलिए, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कोएगुलेशन एनालाइज़र के बारे में और इसका बेसिक मतलब क्या है, यह हम देखने वाले हैं। देखिए, कोएगुलेशन मींस होता है क्लॉटिंग, ठीक है। जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होता है, उस क्लॉटिंग को पता लगाने के लिए हम लोग इस एनालाइज़र का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और ये ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाता है और इसमें पता लगा सकते हैं कि भैया ये जो लिक्विड फॉर्म है किसी भी ब्लड का, ये जेल के फॉर्म में कितना कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट और यही क्लॉटिंग कहलाती है, कोएगुलेशन। ओके, कोएगुलेशन इसे हम कहते हैं। इट पोटेंशियली रिजल्ट इन हेमोस्टेसिस, इसको हम हेमोस्टेसिस भी कहते हैं। इस स्टेट को जब हमारा कोई ब्लड किसी भी रूप में लिक्विड से जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग हेमोस्टेसिस कहते हैं। क्लियर है। द सेसेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम अ डैमेज वेसल फॉलोड बाय रिपेयर। तो हमारे ब्लड के पास जो भी वेसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये आप देख सकते हो, आपके सामने एक डिवाइस है जो कि यहाँ पर ब्लड को एक सैंपल के फॉर्म में लेती है और उस सैंपल से हम एक डेटा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की भी ये डिवाइस है। इसमें आप देख रहे होंगे एक पर्ची टाइप की यहाँ पर निकल रही है जो कि हमें बताती है क्लॉटिंग की स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो कितना क्लॉट है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के अंदर, इसको हम पता लगाते हैं। इसको हम पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग करते हैं और एक ट्यूब होती है जिसमें हम लोग उस ब्लड को लेते हैं और वहाँ से एक लाइट हम गुजारते हैं, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, किसी भी क्विट से, ठीक है। तो वहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेता है उस ट्यूब में कि इसमें कितनी क्लॉटिंग है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द फोटोमेट्रिक प्रिंसिपल, ये आपसे पूछ सकता है पेपर में कि भैया कोएगुलेशन एनालाइज़र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फोटोमेट्रिक प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ठीक है। स्पेसीमेंस, जैसे हमारे जो हाथ है उससे टेस्ट ब्लड लिया जाता है, ठीक है ना, उसकी बात की जा रही है। जो ब्लड सैंपल है उसकी बात की जा रही है, वो एक स्पेसीमेन है। ऑप्टिकल डेंसिटी टू डिटेक्ट द बिगनिंग ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, जो कि एक क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में हमें बताती है। अभी मैंने बताया जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ हम इसमें करते हैंगे, ठीक है ना। और डिटेक्टर वाइल्ड टेस्ट ट्यूब रोटेट, तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसे हम रोटेट कराते हैं, जिसके अंदर ब्लड सैंपल है और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कराते हैं, तो हमें पता चल जाता है इस ब्लड में कितनी क्लॉटिंग की मात्रा है। क्लियर है। तो यही आपका कोएगुलेशन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक मल्टीमीटर टाइप की एक डिवाइस दिख रही है, ये मल्टीमीटर नहीं है, ये भी एक एनालाइजर है जो कि एक वैल्यू देता है। अगर हमें वैल्यू पता करना है तो इस सिंपल एनालाइजर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो अ मशीन दैट इनेबल द टेस्टिंग ऑफ ब्लड सैंपल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी इन द इंडिविजुअल इज कोएगुलेशन एनालाइजर, ठीक है ना, जो कि ब्लड सैंपल लेकर हमें बताती है कि भैया इसमें क्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं कोएगुलेशन एनालाइजर। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये क्या कन्वर्ट करता है, ये एक जेल में कन्वर्ट कर देता है हमारे ब्लड को। जेल मतलब गाढ़ा हो जाता है, जितना गाढ़ा होगा कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि ब्लड क्लॉट हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, इट कैन एक्सट्रीमली हार्मफुल, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक एनोमलीज़ है और एनोमलीज़ का पता लगाने के लिए हमें एक क्विक ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से ये टॉपिक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जिनमें बायोमेडिकल वाले टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं। ये लेक्चर 5 है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, जिसमें मैं कोएगुलेशन एनालाइज़र के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम आपको और जानकारियाँ देंगे। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।